दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडस्ट्रियल में। फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट न्यूज़ के साथ। दोस्तों अभी अभी मौसम विभाग ने अपडेट किया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में आने वाला है प्री मानसून। हो सकती है कहीं भी बारिश और जो है आंधी तूफान। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसी अपडेट और अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों अपडेट न्यूज़ है इस प्रकार, प्रदेश में एक दो दिन में हो सकती है प्री मानसून बारिश, ऐसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम आग मिचौली खेल रहा है। पल भर में धूप, फिर अचानक तेज आंधी तूफान और फिर बारिश होने लगती है। मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बदलाव एक द्रोणिका पंजाब से अंदरूनी उड़ीसा तक, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए गई है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई 1.5 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही मानसून के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से मानसून बादल आना शुरू हो गए हैं। इस कारण से प्रदेश के बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मंगलवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहे, अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री रहा और जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। सुबह आर्द्रता जो है 60% रही, जबकि शाम को 32% रही और बादल भी 20% छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पंजाब से अंदरूनी उड़ीसा तक, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए गई है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1.5 किलोमीटर तक है और इसके अलावा एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ एवं इसके आसपास 1.5 किलोमीटर एवं 2.9 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य बना है। इसके प्रभाव से बुधवार को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावनाएं बन रही है। राजधानी में आकाश आंशिक मेघमय रहेगा तथा शाम को गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहेगा। अब कहां हुई तेज बारिश? दोस्तों बेमेतरा, कवर्धा में 2-2 सेंटीमीटर और साजा में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और तापमान की बात करें तो दोस्तों सभी जगह फिलहाल अधिकतर तापमान ज़्यादा ही है, क्योंकि मानसून आने की तैयारी है और सब जगह तापमान कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो जल्द ही मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है मानसून। और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्री मानसून 1 या 2 दिन में बारिश कर सकता है। तो आशा है आपको भी गर्मी से राहत मिलेगी और आप भी मानसून का आनंद लेंगे। तो अभी पहले प्री मानसून का आनंद लें मौसम विभाग के अनुसार, फिर आएगा आपके लिए मानसून। तो आशा करते हैं दोस्तों जल्द ही मानसून आएगा आपके यहाँ और बारिश से आपकी गर्मी की जो परेशानी है उससे आपको राहत दिलाएगा। तो इस अपडेट न्यूज़ में इतना ही। फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अलर्ट न्यूज़ के साथ। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको इसे अपडेट और अलर्ट न्यूज़ मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।